Good afternoon friends, welcome to our YouTube channel Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, Lecturer Mechanical. Friends, आज हम discuss करेंगे Engineering Drawing Second का next topic और इस topic का नाम है Wooden Joints. Friends, अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें, साथ ही bell icon press करें जिससे हमारे latest video का notification आपको मिल सके. Friends, start करते हैं आज का topic Wooden Joints. जैसे कि आप जानते हैं वुड यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल मनुष्य द्वारा हजारों सालों से किया जा रहा है और हम बहुत सारी जगहों में चीजों को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि फ्यूल यानी कि ईंधन के लिए अब से कुछ समय पहले तक 10 से 15 साल पहले तक लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी बहुत बहुसंख्यक तरीके से होता था. साथ ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि चीजों को बनाने के लिए और टूल्स अलग अलग तरह के हथियार बनाने के लिए. आज भी अगर आप देखें तो जो हैमर होती है हथौड़ी जिसको हम बोलते हैं या सॉज होती है और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हाथ से इस्तेमाल करने वाले होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो ज्यादातर लकड़ी के ही बने होते हैं. साथ ही वेपन्स लकड़ी का इस्तेमाल करके कुछ हथियार भी बनाए जाते थे. साथ ही फर्नीचर बनाने में और पेपर बनाने में भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है. तो आप समझ सकते हैं कि लकड़ी का इस्तेमाल हमारे जीवन में हम बहुतायत में करते हैं और बहुत ही अभिन्न अंग है हमारे जीवन का. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि लकड़ी से हम जब कोई भी चीज बनाते हैं तो उस चीज को बनाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक ही टुकड़े में उसको बना पाए. जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें फर्नीचर में, एक कुर्सी अगर हमें बनानी है तो हम लकड़ी के एक ही टुकड़े से उसको पूरी तरह से नहीं बना सकते. हमें उसकी अलग अलग टुकड़े बनाने होते हैं और फिर उसको बाद में जोड़ना होता है. तो जो लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की जो कला है उसको हम बोलते हैं ज्वाइनरी. इसमें हम जो लकड़ी है उससे अलग अलग पार्ट्स को बनाते हैं और उनको एक साथ जोड़कर फिर हम उसको फर्नीचर या फिर स्ट्रक्चर या कोई भी कंपोनेंट या फिर टॉय यानी कि खिलौने इन सब की शक्ल दी जाती है. और लकड़ी के जॉइंट्स बनाने के लिए या जोड़ लगाने के लिए हम फास्टनर्स यानी कि स्क्रूज या फिर कील नेल जिसको हम बोलते हैं इस्तेमाल करते हैं. साथ ही बाइंडिंग्स या एडहेसिव यानी कि जो चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं जैसे फेविकोल हो गया या इस तरह की जो चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल करके भी हम लकड़ी के जोड़ लगाते हैं. तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अलग अलग तरह के जो वुडन जॉइंट्स होते हैं यूजेस के बेसिस पे लकड़ी के जो जोड़ हैं उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले है मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट जिसको हम हिंदी में चूल एवं साल जोड़ बोलते हैं. दूसरा है हाल्विंग जॉइंट जिसको हम अर्धक जोड़ बोलते हैं. तीसरा है कॉर्नर जॉइंट कोनस्थ जोड़. उसके बाद है ब्रिडल जॉइंट और लास्ट में है डवटेल जॉइंट. तो अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो पहला जो है वो है मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट. इट इज वन ऑफ द कॉमनली यूज जॉइंट. मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल. तो जो मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट है ये बहुत ही आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला जोड़ है और ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है, इसीलिए ये बहुत आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है और स्टेबल होता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने फिगर में दिखाया है, ये हमारे लकड़ी के दो टुकड़े हैं जिनको हमें जोड़ना है. तो इसमें हमने मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट से जोड़ना है. तो हम क्या करेंगे, लकड़ी का जो पहला वाला पार्ट है, मान लीजिए ये पार्ट वन है और ये पार्ट टू है. तो पार्ट वन में हमने बनाया टेनन यानी कि एक पार्ट जो हिस्सा एक सिरे पर जो कि बाहर निकला हुआ है और उसके सेम शेप एंड साइज का हम एक खांचा बनाएंगे पार्ट टू में जिसे हम बोलते हैं क्या, मोर्टिस. तो जो खांचा बनता है उसको हम बोलते हैं मोर्टिस और जो बाहर निकला हुआ जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं टेनन. इसीलिए इस जॉइंट का नाम है मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट. ये खांचा बनने के बाद जो ये टेनन है, टेनन को
इस मोर्टिस में फिट कर दिया जाता है और इस तरह से हमारा जॉइंट कंप्लीट होता है। इसमें जरूरत हो तो हम यहां पर इस सतह पर कुछ एडहेसिव भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये टेनन जब मोर्टिस में जाकर फिक्स हो तो उस एडहेसिव की मदद से हमारा जोड़ और भी मजबूत हो जाए। तो इन दिस जॉइंट ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टेनन, जिसको हम चूल या खूंटी होती है उसको बनाते हैं, साथ ही दूसरे जो पार्ट होता है जैसे कि अभी हमने बताया उसमें सेम साइज का रेक्टेंगल या स्क्वायर, जो ये टेनन है इसकी शेप जरूरी नहीं है रेक्टेंगल हो, वो जरूरत के हिसाब से स्क्वायर भी हो सकती है, वो हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सा। तो एक पार्ट में टेनन और दूसरे पार्ट में मोर्टिस। जनरली विड्थ ऑफ टेनन इज 1/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ वुडन पीस या वुड पीस। तो जो ये टेनन हमको दिख रहा है इसकी जो ये थिकनेस है, इसकी जो पूरी मोटाई है, ये पूरे पार्ट की जनरली 1/3 रखते हैं। जो ये पूरा पार्ट है अगर मान लीजिए ये 10 mm का है, तो ये जो हमारा टेनन है वो 3 mm या 4 mm का होगा। अब अलग अलग मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है ब्लाइंड मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट, दूसरा है थ्रू मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट, उसके बाद हॉन्स्ट मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट और फॉक्सटेल वेस्ट मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट, ब्लाइंड डबल मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट। सो फ्रेंड्स, इसमें से हम जो फर्स्ट थ्री हैं, यानी कि ब्लाइंड मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट, थ्रू मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट और हॉन्स्ट मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट, इनको हम डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला है ब्लाइंड एंड मोर्टिस टेनन जॉइंट। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, तो ये हमारा पार्ट वन है जिसमें हमने टेनन बनाया है और दूसरा पार्ट है जिसमें हमने मोर्टिस बनाया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो टेनन की लंबाई है, यानी कि जो ये इसकी लेंथ है, वो इस सेकेंड पार्ट की जो विड्थ है उससे कम है, यानी कि ये टेनन जो है पूरा का पूरा इस सेकेंड पार्ट के अंदर ही ये फिट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे डॉटेड वाले पार्ट को देख रहे हैं। ये अगर मान लीजिए ये यहाँ पर 10 है, तो ये 10 से ज्यादा होगी इसकी थिकनेस, 10 से ज्यादा, यानी कि ये 15 या 20 कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड मोर्टिस टेनन जॉइंट, क्योंकि जो हमारा टेनन है वो पूरी तरह से दूसरे पार्ट के अंदर होता है। एक बार ये जॉइंट बन गया उसके बाद हमें ये टेनन बाहर से नहीं दिखेगा, पूरी तरह से ब्लाइंड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पहला जो है वो डिटेल्ड है ड्राइंग्स, और इन दोनों को जब हम असेंबल कर देंगे तो कुछ इस तरह का हमारा टी की शेप बन जाएगी, और जो टेनन है वो पूरी तरह से इस दूसरे वाले पार्ट में जो हमने मोर्टिस बनाया है या जो खांचा बनाया है उसमें पूरी तरह से अंदर फिट हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम है ब्लाइंड एंड मोर्टिस टेनन जॉइंट। दूसरा है थ्रू मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट, जैसे कि नाम से हमको पता है चल रहा है यहाँ पे कि थ्रू मोर्टिस, यानी कि जो जॉइंट है वो पूरी तरह से थ्रू है, यानी कि जो ये इस टेनन की लंबाई है वो इस पूरी विड्थ के बराबर है, और जब ये टेनन इस मोर्टिस में या खांचे में जाएगा तो वो दूसरे सिरे पर हमको दिखाई देगा। यहाँ पर ये असेंबली वाला जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं कि हमें दूसरे सिरे पर ये यहां से टेनन बाहर आ रहा है, तो इसलिए इस जॉइंट को हम बोलते हैं थ्रू मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हॉन्स्ट मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें जब टेनन हम बनाते हैं तो वो पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल शेप में नहीं होता है, इसमें जो शेप है हमारी वो एक अलग से कट बना होता है जो हम यहां पर देख सकते हैं। तो यानी कि ऊपर का पोर्शन हमारा थोड़ा सा इसमें से कटा होता है, और जो ये
पोर्शन हमारा होता है, इसी की वजह से इसका नाम है फ्रेंड्स हॉन्स्ट मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट। अब जैसा हमने यहां पर टेनन बनाया है, यानी कि हॉन्स्ट जो टेनन है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मोर्टिस भी इसमें बनता है, और ये टेनन पूरा का पूरा इस मोर्टिस में अंदर जाएगा, फिक्स होगा और हमारा जॉइंट बन जाएगा। तो इस शेप की वजह से जो ये हॉन्च अलग से निकला होता है इस टेनन में, इसीलिए इस जॉइंट का नाम है हॉन्च्ड मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जॉइंट्स तो हमने देख लिए कि मोर्टिस जॉइंट कैसे होता है, लेकिन एग्जाम में ये हमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा और हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम में हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि चित्र में एक जोड़ के विवरण दर्शाए गए हैं, यानी कि एक जॉइंट है जिसकी डिटेल्स हमें दी गई है। अब उसका क्या करना है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें उसकी समन्वित ड्राइंग यानी कि असेंबली बनानी है। डिटेल ड्राइंग हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये हमारे पास में पिक्चर आ गई, यहां पे आप देख रहे हैं ये मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट का एक डिटेल ड्राइंग है। ये टेनन वाला पार्ट है, ये मोर्टिस वाला पार्ट है, और यहां से हम इसका ये व्यूइंग पॉइंट है, और इसमें आप देख रहे हैं कि पूरी डायमेंशन और डिटेल्स हमको दी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट एंगल में समन्वित ड्राइंग यानी कि इसकी जॉइंट की असेंबली यानी कि दोनों पार्ट को जोड़ने के बाद जो हमें जॉइंट मिलेगा उसका एलिवेशन प्लान और साइड व्यू बनाना है। तो अगर आप देखें, अगर हम यहां से व्यू कर रहे हैं तो जब हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर जोड़ देंगे तो जो टेनन है ये पूरी तरह से इस मोर्टिस में चला जाएगा, और आप इधर से देख रहे हैं कि ग्रूव इसका आर पार है, खांचा जो है आर पार है, तो इसलिए थ्रू मोर्टिस जॉइंट है। तो अब जब हम सामने से देखेंगे तो इसका प्लान यानी कि फ्रंट व्यू सॉरी एलिवेशन, हमें जो इसका फ्रंट व्यू है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा पहला पार्ट, और ये इसका जो टेनन है वो क्योंकि अंदर चला जाएगा तो ये हम बना रहे हैं डॉटेड, और ये हमारा दूसरा वाला पार्ट आ गया। तो ये पार्ट ए और ये पार्ट बी, ये हमको जो ये वाली लाइन है ये फ्रेंड्स दिखेगी, ये वाला पार्ट अंदर चला जाएगा और फिर हमको ये वाली जो सरफेस है ये ऊपर वाली पूरी सरफेस हमको दिखेगी। तो यही हमने यहाँ पे बनाया है, ये पूरा जो ये वाला सरफेस है ये हमको दिखेगा, उसके बाद ये वाला सरफेस हमको दिखेगा, और जो ये टेनन है ये वाला जो टेनन है क्योंकि अंदर इसमें चला जाएगा तो ये हमने यहाँ पर डॉटेड इसको दिखाया है डैश से। ऐसे ही जब हम इसका प्लान बनाएंगे तो यानी कि ऊपर से जब हम दिखेगा तो ऊपर से हमें जो पोर्शन दिखेगा वो ये वाला दिखेगा, इसको मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूं या एक पूरी तरह से इसको साफ कर देते हैं। तो जब हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो ये पोर्शन हमको दिखना है, लेकिन जो ये टेनन वाला पार्ट है ये क्योंकि इसमें अंदर चला जाएगा तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमें डॉटेड दिखाई देगा फिर से, और साथ ही इसका ये ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो अभी हमें कुछ इस तरह की शेप ये हमें दिखेगी जिसमें ये हमारा पार्ट ए होगा और ये हमारा पार्ट बी होगा जिसपे ये वुड का जो सिंबल है या उसके साइन है वो बना हुआ है, और जो टेनन है वो हमारा यहां पर अंदर डॉटेड होगा अगर हम उसको बनाना चाहें तो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसका जो व्यूज हैं वो हमको बनाने होंगे। यहां पर हमने इसके तीनों व्यूज दिखाए हैं, तो जैसे हमने डिस्कस किया ये इसका फ्रंट व्यू है,
जिसको हम एलिवेशन या उच्छेद भी बोलते हैं। तो इसमें हमें पहले दिख रहा है पार्ट वन, यहां पर जो पार्ट ए है उसका ये वाला पार्ट जो है हमको दिख रहा है, ये वाला जो है वो हमको नहीं दिखेगा क्योंकि ये हिडन है, अंदर चला जाएगा, तो ये इसलिए हमने यहाँ पर डॉटेड से दिखाया है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है हमने वो डॉटेड से दिखाया है, और ये फिर पूरा का पूरा जो पार्ट बी है ये हमको दिखेगा। यहाँ पे आप डायमेंशन देख सकते हैं, इसकी विड्थ जो यहाँ पर 55 दी हुई थी वो हमने ली है। आप इसका जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में ये 30 और ये कितना होगा, 55 माइनस कर देंगे 155 से, तो 30 और ये 100 ये होगा, और साथ ही ये 55 की होगी डिस्टेंस। तो ये 30 टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं विड्थ, और ये पूरी डिस्टेंस 55 प्लस 100 155, और ये आप देख रहे हैं अंदर यहाँ पे डॉटेड जो है हमने इसको टेनन जो है हमारा उसको डॉटेड करके दिखाया है। इसकी थिकनेस 10 है और साथ में जो जगह दोनों तरफ बचेगी वो 10-10 होगी। ऐसे ही इसका हम साइड व्यू भी बनाएंगे। साइड व्यू में आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा व्यू हमको दिखेगा, साथ ही इस जो ये खांचा बना हुआ है इसकी जगह अब हमारा क्योंकि टेनन दिखेगा तो वो भी हमको यहाँ पर टेनन का दिखाया है, उसका वुडन वुड का जो सिंबल होता है उसको हमने यहाँ पर बनाया है। इसकी विड्थ हो गई 30 और हाइट 155 जो हमने यहाँ पे बताई है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में ऑलरेडी हम ऑर्थोग्राफिक व्यूज कैसे बनाते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी को उसके बारे में वीडियो देखनी है तो वो उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक मैं वहां पर दे दूंगा तो आप उसको देख सकते। तो इस तरीके से एग्जाम में हमें किसी भी जॉइंट की डिटेल ड्राइंग दी जाएगी और उसका असेंबली ड्राइंग के अलग अलग व्यूज हमें बनाने होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।